नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और समझिए कि हैदराबाद से लेकर के पटना में आए हैं और हम मजनुआ एंटरटेनमेंट के थ्रू यहां पे गाना का शूटिंग हो रहा था। इसी बीच लोजपा के जो प्रदेश युवा हैं राकेश त्रिपाठी सर से बात करेंगे कि आप हैदराबाद से चल करके पटना में आए, यहां पे आने का मकसद क्या है। यह जो मजनुआ एंटरटेनमेंट के माध्यम से आप लोग के बीच में गाना जो लाया जा रहा है इसके बारे में जानेंगे। हाँ सर नमस्ते जी। नमस्ते, मैं आपको पहले परिचय करा दूं थोड़ी देर, अगर आप माइक दे तो मैं परिचय करवा दूं। ये हैं सिंगर, परिचय के मोहताज नहीं है, बबुआ विकास, और ये हैं हमारे मित्र छोटे भाई, जो कह लीजिए कोरियोग्राफर हनी रॉक। ये मैडम अपना परिचय खुद देंगी, आप लोग करीब करीब इनको पहचानते होंगे। श्वेता शर्मा नमस्कार। और अब आपको मिलाते हैं कि जो ये आज आपको इतना अच्छा माहौल जो बना हुआ है, इस माहौल किसके वजह से बना है, वो बनाने वाले कौन है, उनका नाम वो खुद अपना परिचय देंगे। सुधीर जायसवाल हैदराबाद से आए हैं। सुधीर जायसवाल प्रोड्यूसर मजनुआ म्यूजिक। अब आप ये चेहरा जो दिखाने जा रहे हैं वो तो अक्सर आप देखे ही होंगे, जहाँ जहाँ हम इंटरव्यू देते हैं या हमारे पार्टी ऑफिस आते हैं तो आपको मुलाकात होती होगी, इनका परिचय इनसे ही लेते हैं। गजेंद्र कुमार लोजपा प्रदेश महासचिव। अब नेक्स्ट जो है यही हमारे लीड रोल में है, जरा इनका भी परिचय इनसे ही लीजिए। रोयल देवराज ये लीजिए। अब सर आप हमें बताएं कि हैदराबाद से चल करके पटना में आ पाए जी और यहाँ पे शूटिंग करके हैदराबाद के ही पास में आपके बीच मुंबई है, मुंबई में समझिए कि भोजपुरी के मसीहा के तौर पे वहाँ पे बहुत सारे शूटिंग होता है, पटना सोच करके बिहार में सोच करके शूटिंग किया इसके पीछे। देखिए जब भोजपुरी की बात होती है, जैसे सेव का बात होता है तो कश्मीर, ठीक उसी तरह अगर भोजपुरी का फ्लेवर लेना है तो आपको पटना आए बगैर काम चलने वाला नहीं है। और यहाँ की एक खासियत रही है कि मतलब आज जो भी गाना लीड हो रहा है वो सब पटने में शूट हो रहा है। और जो हमारे मित्र हैं उधर कैमरा करिए, वो सुधीर जायसवाल जी, ये भोजपुरी के बहुत शौकीन आदमी हैं। जो भी आज आपको ये माहौल दिख रहा है वो सब इनकी देन है। अब इनसे पूछे कि ये पटना के रुख क्यों करे। आप बताएं सर, पटना में आ करके इतना बड़ा मुंबई आपके पास है, आप पटना है हैदराबाद से चल करके क्या कुछ है? हर प्रदेश जो है आगे है, पटना जो है आगे नहीं है, बिहार आगे नहीं, बिहार पीछे है। यहाँ पे रोजगार का अभाव भी है और यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इतना आगे बढ़ रही है कि मेरे को लग रहा है कि बॉम्बे कोई पीछे छोड़ देगी। और यहाँ के जो स्टार भी हैं वही यूट्यूब पे सेकंड या थर्ड पोजीशन हासिल कर चुके हैं पूरे यूट्यूब पे। और मेरा सोच ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचने में, काम करने में यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और मेरा छोटा सा प्रयास है और एक एल्बम से रोज़गार हो पाएगा, बहुत सारे यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए। मेरा छोटा सा प्रयास है और मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे इस प्रयास को देख करके हजारों लोग, लाखों लोग प्रयास करेंगे जिससे जो है सबको रोजगार मिलने का चांस मिलेगा। यहाँ देखिए अब हम बात करेंगे, गजेंद्र जी हैं जो मजनुआ एंटरटेनमेंट के तौर पे पटना में वह रह करके यहाँ पे देखते हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ बताइए गजेंद्र जी। हम यहाँ रोजगार इसलिए डेवलप करा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे चैनल यहाँ आए हैं और आने के लिए प्रेरणा ले रहे हैं, और चैनल के माध्यम से पूरे बिहार को धीरे धीरे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां जन्म लेगी, सबको बढ़ावा मिलेगा कि बिहार से ही सबका उन्नति प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए बिहार में सब आएंगे और यहां लोगों का रोज़गार अधिक मिलेगा म्यूजिक एंटरटेनमेंट के सेक्टर में। अब बात आती है कि जो गाना का जो शूट हो रहा है उस शूट पे हम अब यहां पे जो भी स्टार्स हैं उनसे बात करेंगे। हाँ बताइए कैसा लग रहा है मजनुआ एंटरटेनमेंट के थ्रू इतना बड़ा। सबसे पहले तो मजनुआ एंटरटेनमेंट को बहुत बहुत बधाई, आज हमारा शूट जो चल रहा है, और बधाई उनको भी जो यहाँ पे आके शूट करवा रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, उनका बहुत बहुत आभार है कि वो हैदराबाद से चल के पटना आए हैं और एक विश्वास के तौर पर आए हैं। ये मेरा पहला काम है उनके साथ और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं। अगर ऐसी मानसिकता है उनकी कि 10 लोग को रोज़गार मिलनी चाहिए तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे बिहार के लिए, पटना के लिए। और पटना में बहुत सारे स्टार लोग का शूटिंग होता है, यहाँ पे सब लोग आते हैं कराते हैं। और मुंबई भी भोजपुरी के लिए नहीं है, अगर भोजपुरी माटी है हमारा तो शूटिंग भी यहीं होना चाहिए, है ना। तो यही हमारा और सबका प्रयास है और बाकी सब दर्शक लोग का। अब बताइए मैम कैसा लग रहा है मजनुआ एंटरटेनमेंट के थ्रू इतना बड़ा शूट्स।
हो रहा है, मजा में एंटरटेनमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने पहली बार जब भोजपुरी में सॉन्ग किया था तो ये गाना जो आपने सुना पापा जी के खोजल बलमुआ याद बड़ी मजनवा का है तो वो हिट हुआ था, तो अभी तो हम शौक हुआ कि मजनवा एंटरटेनमेंट नाम भी है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो दो शब्द वो गाना गा करके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता जो आप गाना गाई थी। अच्छा वही वाला पापा जी के खोजल बलमुआ याद बड़ी मजनवा का है, तो ये सॉन्ग था और मजनवा चैनल है, तो जितना इस सॉन्ग को प्यार दिया इस चैनल को भी उतना प्यार दीजिए आप सभी लोग। आप बताइए कैसा लग रहा है इतना बड़ा मजनवा एंटरटेनमेंट का एक बिहार में रोजगार के ऊपर प्लेटफॉर्म। सबसे पहले जितने श्रोता देखने वाले हैं सबको प्रणाम है और भारत न्यूज ना भैया, और हमारा नाम बबुआ विकास है और काफ़ी यहाँ मतलब सभी लोग अपन बा सभी लोग ग्रुपिंग एक मिल के मजनवा एंटरटेनमेंट के आगे बढ़ावे के प्रयास और भैया लोग के सपोर्ट हमारा ऊपर रहेला जोरे जोरे हमू आगे बढ़ जाए। तो जितना श्रोता भैया चाचा जितना लोग बानी सभी लोग से आग्रह बा कि मजनवा यूट्यूब पे जाए मजनवा एंटरटेनमेंट मानव सर्च सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी ताकि हमारे ऊपर गाना चढ़ हो तो तनी व्यू धकाधक भागो आ किस्मत सवर जाए। एक जानकारी और आपको बता, अब बात करेंगे कि समझिए कि यह जो शूट हो रहा है इस शूट के दौरान समझिए कि मजनवा एंटरटेनमेंट के सुधीर जी और अब हम बात करेंगे जो सबसे पहले इंट्रोड्यूशन करवाए थे सारे हमारे सेलिब्रिटी से, अब राकेश जी से बात करेंगे कि कैसा आपको लग रहा है। सर देखिए हम तो यहाँ के जुड़े हुए मट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं और आपने मुझे हर प्रोग्राम में हर जगह मुलाकात हमारी आपकी होती रहती है। बबुआ विकास जो है वो हमारे चैनल के सबसे मैक्सिमम गाने हमने